आप देख रहे हैं अमेज नाउ। आरोपित पीसीएफ गोदाम पर एसडीएम का निरीक्षण, मिली खामियां तो होगी कार्रवाई। यूपी के बलिया में कोटेदारों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पीसीएफ गोदाम के खिलाफ कोटेदारों ने आरोप लगाया। कोटेदारों को राशन वितरण के दौरान काफी अनियमितता का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांग को लेकर कि जैसा कि सबको जानते हैं कि इस लॉकडाउन में कोरोना काल में गरीबों के लिए, राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ आज 3 तारीख से प्रारंभ होना था और हम सभी नगर के जो कोटेदार हैं उनको अभी तक राशन नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ से राशन वितरण करें। तो हमारे पास समस्या और कोटेदार धारक हमें परेशान कर रहे हैं कि हमें राशन दीजिए, आज 3 तारीख से बांटना था, आप लोग क्यों नहीं बांट रहे हैं। उनको ये लग रहा है, कार्ड धारकों को हम लोगों ने राशन चुरा कर रखा है, राशन बेचना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा है कि मंडी से हम लोग राशन ही नहीं दिया जा रहा है। मंडी में आए है गेहूँ ला दी जा रही है, वजन हो रहा है आपके गेहूँ का? ना अभी वजन नहीं हो रहा है। क्यों? पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं। क्यों ऐसे ले रहे हैं? बोरे का वजन किए हैं, कितना केजी है? ना वजन का नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हैं, करा रहे हैं आप? देखो तुम करने में क्या दिक्कत है। कोटेदारों के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम जांच के लिए भेजा। मंडी पहुंचे सदर एसडीएम, विपणन अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी की टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। कोटेदारों का आरोप था कि बोरे में राशन मानक विहीन दिया जाता है, साथ ही प्रति क्विंटल 27 रुपये की जगह 17 रुपया ही दिया जाता है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच करने पहुंचे एसडीएम को देखते ही मंडी परिसर में भगदड़ मच गया, जिसके बाद खाद्यान्न तौल में हो रहे खेल को अपने सामने ही 20 बोरे चावल और 20 बोरे गेहूं का इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तौल कराया गया, जहां एक आध बोरे को छोड़कर सभी खाद्यान्न बोरे सुनिश्चित वजन से कम पाए गए। वहीं आपूर्ति विभाग मुख्य अधिकारी ने सभी बोरों के तौल का कागज लिखते हुए डीएम के सामने प्रस्तुत करने की बात कही। वहीं कोटेदारों को मिलने वाले प्रति क्विंटल पर 27 रुपये देने की बजाय 17 रुपये दिए जाने पर एसडीएम ने कहा कि ये इनका आपसी मामला है। एसडीएम ने कहा जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। जिलाधिकारी महोदया को पत्र दिया गया कि यहाँ पर खाद्यान्न वितरण निकासी को लेकर के कुछ समस्याएं हैं। यहाँ आने पर यह ज्ञात हुआ, कोटेदारों का ये कह रहा है कि हमें कम खाद्यान्न दिया जाता है और समय से उठान नहीं किया जाता। इन्हीं की उपस्थिति में और आप लोग की उपस्थिति में 20 बोरों को हमने एवरेज निकलवाया है और एवरेज में जो रिपोर्ट आ रही है वो जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया। सर कितनी बोरी गेहूँ की? 20 बोरी गेहूँ की, 20 बोरी चावल की, दोनों के एवरेज निकाले। सर जो वजन किया गया इसमें कितनी कितनी बोरियाँ कितने केजी का हुई है सर? अब एक एक का मैं विवरण नहीं बता पाऊंगा, रिपोर्ट बन जाएगी तब रिपोर्ट आपको प्रेषित करूंगा। सर जो ये शिकायत है नौके की, घटतौली होती है और बोरे का दाम नहीं होता, टाइमली पैसे नहीं मिलते, टाइमली उठान इनकी नहीं पाती है, जगह पहुँचाया जाता है, तो ऐसी समस्या जो कोटेदारों को, तो कोटेदार जनता तक वितरित कैसे करेगा जबकि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ। इस बार चूंकि शायद 3 तरह के राशन आ गए हैं, कई राशन हो जाने के कारण थोड़ी समस्याएं आई हैं, इसको रिजॉल्व करा दिया जाएगा, आगे से भी समस्या नहीं आएगी। सर ये भी है कि कोटेदारों के घर तक राशन पहुँचाया जाएगा, लेकिन अभी इसी की व्यवस्था की जा रही है, अगर सिंगल स्टेज सिस्टम लागू कर दिया जाएगा तो कोटेदार के घर तक राशन लेंगे। एक एवरेज के हिसाब से जो दिया जा रहा है इन लोगों बिगड़ तो अपनी इनकी यहाँ की व्यवस्था थी, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, कोटेदारों को वजन करके ही दिया जाएगा, बिना कोटेदार वजन करके हम नहीं देंगे। सर बिना कोटेदार का बिना वजन के दे रहे हैं तो क्या इनके विरुद्ध कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी। बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट।